आज 72वा प्रजासत्ताक दिन या निमित्त नागपूरच्या महाल येथील संघ मुख्यालय येथे महानगर संघचालक राजेश लोया यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। शांति के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ हम आत्मनिर्भर होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहीं भी कोई हीन भावना न रखते हुए अपने आप को अग्रसर करें और देश को भी अग्रसर करें। विश्व शांति का संदेश अपने इस देश से जाए, इसकी आज ज़रूरत है और इसी का संकल्प हम सभी मिलकर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनश्च गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज दिल्ली में किसानों की रैली है, ट्रैक्टर रैली, क्या कहेंगे? अब वो तो आप सभी को पता है, हम तो गणतंत्र दिवस मनाएं, आनंद से मनाएं। वे भी वहाँ पर हैं, उनकी व्यवस्था तो सब हो ही रही है, लेकिन हम लोग गणतंत्र दिवस यहाँ जो मना रहे हैं उसको आनंद से मनाएं। प्रतिनिधि सभा जो है वो बेंगलुरु में हो रही है, आमतौर पर 3 साल के बाद नागपुर में होती है, क्या वजह है इस बार नागपुर में नहीं हो रही है? वहाँ व्यवस्थाएं ठीक है, इसलिए बेंगलुरु में हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इजाजत नहीं दी थी, कुछ लिमिटेशन था, ऐसा कुछ नहीं। व्यवस्थाएं जहाँ होती है वहाँ कर लेते हैं। संघ में बदलाव तो आपने देखा ही है, जब कभी भी किसी बात की भी जरूरत होती है तो बदलाव तुरंत कर लेते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं। ठीक है, धन्यवाद।